Hey guys, welcome back to new video. I'm in Canada right now. I know that आप लोगों को लग रहा होगा एकदम कैसे चला गया, मैं इसी टाइम की वापसी की टिकट थी और मैंने बीच में व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम था बिता रहा था एंड मेरा मन नहीं किया व्लॉगिंग करने का. आई नो डैट मेरे चैनल का नुकसान हुआ इसी से, बट स्टिल आई वॉज विद माई फैमिली. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि मेरे को 2 साल कनाडा रहने के बाद और इतने सालों से मैं सिटीजन ऑफ इंडिया का, तो मेरे अपनी कंट्री के लिए और कनाडा के लिए क्या ओपिनियन बना, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में कि विच कंट्री इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट, कि कौन सी कंट्री बेटर है. आगे चल के बात करते हैं. बस उतर गया. तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, मेरे को लगता है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने 2 साल कनाडा में एक्सपीरियंस किया एंड 1.5 महीना में इंडिया में रह गया. और उसमें पहले बचपन मेरा सब इंडिया में, और टिल जब तक मैं कनाडा नहीं गया 2022 मिड तक तो मैं इंडिया में ही था ना. तो वो चीज़ें अगर मैं शेयर करूँ तो पहले एक्सपेक्ट लगते हैं कि लाइफ में सबसे ज़्यादा जल्दी आगे हम कहाँ बढ़ सकते हैं. देखो मेरा ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान को जहाँ पैसे बनाने ना, चाहे वो कहीं भी रहता हो, नो मैटर कोई सी भी कंट्री हो, वो वहाँ पैसे बना सकता है जिसके अंदर आर्ट है, कला है, ठीक है. बट स्टिल आई विल प्रेफर कनाडा कि हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में नहीं. क्या पता आप लेट आगे बढ़ के इंडिया में बहुत ऊपर चले जाओ और कनाडा में जल्दी आगे बढ़ के क्या पता लाइफ में उतना कुछ ना कर पाओ. बट स्टिल स्टार्टिंग यहाँ पे थोड़ी जल्दी हो जाती है. इंडिया में हम हाँ जिम्मेदार बन जाते हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल वगैरह सब सीरियस, बट असली सीरियसनेस पैसों की इंपॉर्टेंस शायद बाहर आके आती है क्योंकि हम सब कुछ फीस भरने से लेके सब कुछ खुद करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि मनी कितनी इंपॉर्टेंट है. एक एक जो पैनी होती है ना उसका हिसाब रखना पड़ता है, डॉलर सेंट सबका. तो कनाडा में थोड़ा सीरियस फैमिली के एस्पेक्ट से देखें तो इंडिया इज़ बेटर एनी डे. 2 साल में मेरे को आज तक यहाँ पे अपने घर जैसी फीलिंग है कि आई एम होम. आई नेवर फेल्ट दैट कि आई एम होम, कभी भी नहीं हुई. और मैं 2 साल बाद इंडिया गया था तो सब मेरे को कभी ऐसे मेरे को लगे नहीं कि कभी मैं घर से गया भी था, कि मैं कभी कनाडा गया भी था जब मैं इंडिया गया, मेरे को कभी ऐसी फील ही नहीं आई. क्योंकि यार क्या, या तो मैं फेक नहीं हुआ लोगों की तरह जो बाहर आके लोग फेक हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपना एक्शन बदल लेते हैं, या तो सच ही यही है. और मेरे हिसाब से मैं फेक नहीं हुआ और 50-50% सच ही यही है. क्या फैमिलीज के लिए सही है कनाडा बाहर रहने के लिए? देखो मैं हरियाणा से आता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली मेरे एरिया के लोग हैं, मेरी फैमिली के लिए उन लोगों को रहना हमेशा सब कुछ खुला खुला, मतलब खेत वगैरह सब देखा एंड थोड़ा कल्चर में बैठने की आदत है, कम्युनिटी में बैठने की आदत है. एंड इधर पंजाबी ज़्यादा है, मतलब पंजाब से ज़्यादा लोग हैं एंड मेरी फैमिली की या मेरे एरिया के लोगों की हरियाणवियों के साथ ज़्यादा वाइब मैच होती है. तो फैमिली के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन से हो. इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम पंजाब देन इट्स ईजी, आप लोगों के लिए ईजी है. इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, देन आप लोगों को अपनी कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि बहुत टफ है कि हरियाणा के कम्युनिटी के लोग एक जगह पे ही रह रहे हैं, नहीं, ठीक है. और सोच सबसे बड़ी चीज़ सोच है कि मेरे एरिया में ना, हरियाणा में कुछ लोगों की सोच अभी भी पुरानी है, चाहे मेरे परिवार के कुछ लोग हो गए, कुछ मेरे भाई हो गए बड़े बहुत, ठीक है, कुछ मेरे परिवार के लोग हो गए. मेरे परिवार के मतलब जरूरी नहीं कि मेरे पापा की साइड के भी, दोनों साइड के लोगों की सोच थोड़ी पुरानी है अभी भी, दे आर आउटडेटेड इन टर्म्स ऑफ सोच, और स्पेशली लड़कियों के लिए. एक मिनट, स्पेशली लड़कियों के लिए उनकी सोच थोड़ी डाउन है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा फील होता है, ठीक है. एंड वही जो लड़कियों के लिए सोच खराब है, वही रीज़न है ये हर चीज़ को लेके कि लाइफ में
मैं इंडिया थोड़ा डेवलपमेंट के मामले में इसलिए पीछे क्योंकि लोगों की सोच खराब है। इंडिया में चीज़ें इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि लोगों की सोच खराब है, ठीक है। और लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना, या लड़कियों को ये नहीं पहनने देना, वो नहीं पहनने देना, जो भी चीज़ है, जो भी फलाना ढमकाना, वो नहीं करने देना। तो डेट मीन्स कि जब आप लोगों को लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलने देना, कुछ नहीं करने देना, देन वो जॉब कैसे करेगी, वो पढ़ेगी क्या? एंड जब वो पढ़ेगी नहीं तो वो आगे जाके घर में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। और आज भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच है कि लड़के ही चाहिए, तो इन चीज़ों की वजह से इंडिया पीछे है रिलीजियस। और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। हाँ, रिलीजियस चीज़ें अब होने लग गई हैं यहाँ पे, जैसे यूरोप में, यूके में होने लग गई हैं, यहाँ पे भी होने लग गई हैं, बट स्टिल इतना नहीं है जितना इंडिया में है। उस चीज़ की वजह से थोड़ा इंडिया पीछे है, ये नहीं कहूँगा इतना पीछे है। इंडिया की ट्रांजिट्स आर बेटर देन कैनेडा, अगर आपको सच बताऊँ। इंडियन ट्रेन्स, नॉट बसेस, इंडियन ट्रेन्स आर बेटर देन कैनेडा एनी डे। ट्रेन्स एज इन ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है, मेट्रो ट्रेन्स, थोड़ी स्पीड कम है मेट्रो की हमारे आगे, बट स्टिल इट्स बेटर देन कैनेडा एनी डे। मेरे ब्रिटिश कोलंबिया से तो बेटर ट्रेनें इंडिया में हैं, ठीक है। बसेस नहीं है क्योंकि ट्रेन हम बस इतना यूज़ नहीं करते इंडिया में, नॉर्मल स्ट्रेट बसेस लॉन्ग टर्म के लिए हरियाणा रोडवेज चलती है भाई, सुपर रॉकेट। बट बसेस ऐसे नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडियंस को आदत है ट्रेन में ट्रैवल करने की, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो। एंड थोड़ा रिलीजन को लेके लोग थोड़ा आपस में जो लड़ना भरना, वो यहाँ पे नहीं है। क्या पता यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी है कि हम लड़ नहीं सकते या फिर हम कुछ कर नहीं सकते। इंडिया में थोड़ा ओपन रूल है, बट स्टिल महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है, इंडिया में कम है। एंड सबसे मेन चीज़ जो है, थोड़ा घर जैसा, जो थोड़ा नहीं पूरा घर जैसा फील होता है इंडिया में। 15 घंटे की फ़्लाइट लेके जब मैं इंडिया से कनाडा आ रहा था, तो वो सफ़र ऐसे था कि उस सफ़र में 15 में से 8 घंटे मैंने सिर्फ ये सोचा है कि आने वाले साल मेरे को अपने 35 की एज या 40 साल के बाद की उम्र मेरे को कनाडा में नहीं जीनी, मेरे को अपने देश वापस लौटना है, मैं यहाँ से यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो मैंने यहाँ पे करी हैं अपने ऊपर, उसको रिकवर कर लूँ, जो पैसा खर्चा है मैंने, ठीक है। एंड थोड़ी और थोड़े सपने, थोड़े ड्रीम्स हैं जो इंडिया में रह के बहुत लेट पूरे होंगे, पर यहाँ पे रह के जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा फ्यूचर सिक्योर। तो ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, नॉट ट्रैवल मोमेंट दैट। भारत माता की जय, जय श्री राम। मिलते रहेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो में थोड़े ग्लिच हो, एरर्स लगे आपको कि जो मैंने बोला है, कमेंट सेक्शन में बोल देना। बाय बाय गाइस।